नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आपकी तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं आज पार्ट नंबर 3, जेब खर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। मान लीजिए आपको हर महीने 500 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 500 रुपये। आपने पहले महीने 230 रुपये और दूसरे महीने 170 रुपये बचाए। चलिए हम यहाँ पर साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हम उस गतिविधि को ठीक से कर पाएँ। कितने बचाए हमने पहले महीने? 230 रुपये और दूसरे महीने 170। ठीक है, तीसरे, सातवें और आठवें महीने में आप 210 रुपये बचाते हैं। वहीं चौथे, पांचवें, छठे और बारहवें महीने में 130 रुपये की बचत करते हैं। बाकी महीनों में आप कोई बचत नहीं कर पाते। अब आप बताओ कि आपने अब तक कितने रुपये बचाए? कितने महीने ऐसे हैं जब आपने कोई बचत नहीं की? बचे हुए रुपए का आप क्या करोगे? तो आपको इस गतिविधि को स्वयं करना है बच्चों, खुद करना है। क्या आप अपने घर वालों से जेब खर्च लेते हैं? आप उन पैसों को कहाँ खर्च करते हैं? आपको ये गतिविधि करनी है और इनका उत्तर भी देना है। चलिए हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ में प्रवेश करते हैं अब हम। जेब खर्च चीनी भाषा की कथा की अनुदित मर्मस्पर्शी कहानी है। मर्मस्पर्शी जो हमें हमारे दिल को छू ले, मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें मेई नामक बालक अपनी गरीब माँ द्वारा दिए जा रहे 5 पैसों को बचाना चाहता है। उसके हाथ से 5 पैसे का सिक्का गिरकर फर्श की दरार में चला जाता है। मेई कोशिश करने पर भी उसे निकाल नहीं पाता है। फर्श की दरार को सुरक्षित जगह समझकर मेई 2 साल तक पैसे जमा करता है। इन पैसों से वह बुरे समय में माँ की मदद करता है। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। सबकी माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, आपकी भी करती होंगी। प्रतिदिन सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारा खरीदूंगा। फिर सोचा, अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है, अगर मैं इन्हें बचाकर रख लूं तो बाद में काम आएगा, पर इसे किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा? नन्ना मैं पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श की एक दरार में जा गिरे। उसने सोचा, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया, पर पैसे नहीं निकले क्योंकि छेद बहुत छोटा था। उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी बौहें फैलाकर कहा, अरे ये तो पैसा जमा करने के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह है, कोई इन्हें देख भी नहीं सकता और ले जा भी नहीं सकता, ये तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। बस फिर क्या था, उस दिन से नन्ना मेई रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए, मतलब देखते ही देखते 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी, वह काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने 1 महीना घर पर आराम किया। अब नन्हे मेई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया था।
कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी। एक दिन नन्ना मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में फर्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूँगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूँगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होंगी। नन्हा मेई अभी सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और माँ को पुकारा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था कि शायद बहुत चिंतित और दुखी थी और बोलना भी नहीं चाहती थी, या शायद फिर से बीमार पड़ गई हैं। कुछ देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी ने घर में प्रवेश किया, मतलब वो आदमी घर के अंदर आया और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? श्रीमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपके रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी, क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नन्हे मेई की माँ ने कहा। उस आदमी ने जैसे ही यह सुना तो गुस्से से मेज पर हाथ मारने लगा और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, मैंने पहले ही इतने दिन इंतज़ार कर लिया है, पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए। यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नन्हा मेई उस आदमी को देखकर डर गया था। उसे यह मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में आ गया था तब इसने ही माँ को रुपए उधार दिए थे। नन्हा मेई धीरे से माँ के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। माँ आश्चर्य से नन्हे मेई की ओर देखकर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हे मेई ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2-3 बार ठोका, फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर भरकर पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा तो वह सचमुच पैसे ही थे, पर उसमें जंग लग चुका था। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगा। माँ ने उन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं, इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चीनी कथा के अनुदित है ये, अनुवाद ललिता पांडे, ललिता पांडे ने इसका अनुवाद किया है। तो बच्चों, थी ना मर्मस्पर्शी कहानी, थी ना आपके दिल को छुई कहानी। तो आपको भी बच्चों जो जेब खर्च मिलता है, आप उनमें से थोड़ा थोड़ा जेब खर्च जोड़ा करें, ताकि कठिन समय में या किसी ज़रूरत के समय में आपको वो काम आ सके। तो चलिए कठिन शब्दों पर आते हैं हम, जो आपको लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में। जेब खर्च, आश्चर्य, मुस्कुराना, चिंतित, दरवाज़ा, श्रीमान, प्रतीक्षा, रुपए, कर्ज, साहूकार। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं और उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। प्रयास, प्रयास का अर्थ है प्रयत्न, कोशिश। प्रतीक्षा, इंतज़ार। सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ, उस चीज़ को हम कहते हैं सुरक्षित। छेनी, काटने का औजार। घटना, कार्य रूप में आने वाली बात। साहूकार, बड़ा व्यापारी। कर्ज, उधार। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ और बात करते हैं पाठ की। मुख से, सो यहाँ पर है बताओ क्या पढ़ा।
नन्ना मेई माँ के दिए पैसों का क्या करता था। नन्ना मेई माँ के दिए पैसों को फर्श की दरार में डालता था, उन्हें जोड़ता था, जमा करता था। नन्हे मेई की माँ को चोट कैसे लग गई? मशीन में काम करते समय नन्हे मेई की माँ को चोट लगी। साहूकार को देखकर नन्ना मेई क्यों डर गया था? साहूकार को देखकर नन्ना मेई इसीलिए डर गया था क्योंकि वह मेई की माँ को जेल में डलवाने की बात कर रहा था, है ना? जेल में डलवाने की बात कर रहा था ना। साहूकार का कर्ज चुका देने के बाद मेई ने पैसों के बारे में माँ को क्या बताया? साहूकार का कर्ज चुका देने के बाद मेई ने माँ को बताया कि ये आपके ही दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं जिन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था। तो अब आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अपने बचाए पैसों से मेई क्या करना चाहता था? बचाए हुए पैसों से मेई माँ के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था। आप भी इसे मेरे साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में चिन्ह लगाते जाएंगे। माँ 1 महीने काम पर क्यों नहीं गई? उनके हाथ में चोट लग गई थी। साहूकार ने माँ को क्या धमकी दी? चलिए आप बताइए, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, उसके स्थान पर मेई को काम करना पड़ेगा, तुम्हारा घर गिरवी रख दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। आगे चलते हैं। कहानी की घटनाओं के अनुसार सही क्रम संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, ये घटनाएं हैं और इन्हें हमें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? पैसे फर्श के एक छेद में जा गिरे। तो सबसे पहले तो ये वाली आएगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर 1। उसके बाद आएगा नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी, ठीक है? और उसके बाद आएगा क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, जो माँ कहती है साहूकार से। और फिर मेई बताता है इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था, किसे? पैसों को। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की, जब माँ को मेई ने जुड़े हुए पैसे दिए तब माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो यहाँ पर सही क्रम संख्या हमने लिख दी है। पहली घटना क्या हुई? पैसे फर्श के छेद में जा गिरे। फिर जब पैसे जुड़ गए तो मेई ने क्या सोचा कि नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी, मैं माँ के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। उसके बाद माँ ने साहूकार से कहा क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। फिर मेई ने माँ को अपने पैसों के बारे में बताया। तो इस तरह से हमने इन्हें सही क्रम संख्या में लिख दिया है। चलिए नंबर 4 पर है, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। मेई अपनी माँ द्वारा दिए गए पैसों को खर्च करता था, नहीं, वो उन्हें फर्श की दरार में डालकर जमा करता था। मेई की माँ उसे 5 पैसे रोज़ाना देती थी। मेई के पैसे हाथ से गिरकर फर्श की एक दरार में गिर गए। मेई की माँ के पैर में चोट लग गई, नहीं, कहाँ चोट लगी थी? माँ के हाथ में। मेई ने अपनी माँ की मुश्किल में सहायता की, जी बिल्कुल, माँ के सामने मुश्किल थी, साहूकार उन्हें जेल में डलवाने की धमकी दे रहा था, ऐसे में मेई ने पैसे देकर अपनी माँ की मुश्किल में सहायता की। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चलिए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से नन्ना मेई रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई।
चोट बहुत गहरी थी। वह काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने एक महीना घर पर आराम किया। अब नन्हे मेई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया था। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। नन्ना मेई पैसे बचाकर कहाँ रखता था? नन्ना मेई पैसे बचाकर फर्श के नीचे डाल देता था। मेई की माँ को चोट कैसे लगी? एक दिन मशीन में काम करते समय मेई की माँ के हाथ में चोट लग गई। नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना क्यों बंद हो गया? नन्हे मेई को जेब खर्च मिलना इसीलिए बंद हो गया क्योंकि चोट लगने के कारण उसकी माँ काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने एक महीना घर पर आराम किया। तो बच्चों, जो इस तरह से प्रश्न होते हैं जो हमें गद्यांश को पढ़कर उनके उत्तर देने होते हैं, उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मेई ने ऐसा क्या सोचा कि पैसे खर्च करने का विचार बदल गया? मेई ने क्या सोचा बच्चों, बताएं जल्दी से। मेई ने सोचा कि मेरी माँ कितनी मेहनत से काम करती है, कितनी दौड़ धूप करती है और इन पैसों को मुझे ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। यही सोचकर मेई के पैसे खर्च करने का विचार बदल गया। मेई ने कैसे जाना कि फर्श ही जेब खर्च बचाने की सबसे सुरक्षित जगह है? जब अचानक से सिक्का फिसल कर फर्श की दरार में गिर गया तो मेई ने अपनी छोटी उंगली से उसे निकालने की कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर सका। तभी अचानक उसे यह विचार आया कि यहीं पर पैसे जमा करने चाहिए ताकि कोई भी उन्हें ना निकाल सके। इस प्रकार मेई ने जाना कि फर्श ही जेब खर्च बचाने की सबसे सुरक्षित जगह है। साहूकार मेई की माँ पर क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि मेई की माँ ने चोट लगने के बाद उससे 25 रुपए उधार लिए थे जो कि उसने वापस नहीं किए थे। अपने पैसों को वापस लेने के लिए ही साहूकार मेई की माँ पर चिल्ला रहा था। पैसे मांगने आए साहूकार में मनुष्यता नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। मेई की माँ को चोट लग गई थी जिसके कारण वह एक महीना कारखाने नहीं जा पाई थी। उसने साहूकार से बहुत विनती की कि मैं एक महीना काम पर नहीं जा पाई, पर अब मैंने काम करना शुरू कर दिया है और मैं जल्दी ही आपके रुपए लौटा दूंगी। पर साहूकार न माना और उसने मेई की माँ को धमकी दी कि अगर आज ही तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पैसे मांगने आए साहूकार में मनुष्यता नहीं थी, मतलब उसमें दया भावना नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। नन्हे मेई ने अपनी माँ की मदद किस तरह की? नन्हे मेई ने अपनी माँ की मदद किस तरह की? जब साहूकार नन्हे मेई की माँ से पैसे वापस लेने आया तब नन्हे मेई ने अपनी माँ को बताया कि उसके पास पैसे हैं। फिर उसने छेनी की सहायता से लकड़ी के फर्श को खोलकर सारे पैसे निकाले और अपनी माँ को दे दिए। इस प्रकार उसकी माँ ने साहूकार का कर्ज उतार दिया। इसी तरह नन्हे मेई ने अपनी माँ की मदद की। चलिए, जेब खर्च पाठ में नन्हे मेई ने अपनी उम्र से अधिक समझदारी दिखाई। इस आधार पर मेई के स्वभाव की विशेषताएं बताओ। मेई के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? कि मेई बहुत ही समझदार गंभीर प्रवृत्ति का बालक था। यद्यपि वह अपने लिए मिठाई और गुब्बारा खरीदना चाहता था, पर वह समझता था कि उसकी माँ बहुत मेहनत से ये रुपए कमाती है, तो उसने अपने जेब खर्च को जोड़ना शुरू किया और जब उसकी माँ पर मुसीबत आई तो वह पीछे नहीं हटा। इस प्रकार मेई बहुत सहायता करने वाला बालक भी था। तो इस तरह से बच्चों, आप दोबारा से इस पाठ को स्वयं पढ़ के भी मेई की और विशेषताएं बता सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये
चाहती हूँ बच्चों कि आप इस पाठ को गृह कार्य में दोबारा से ज़रूर पढ़ें और इन सारी जो भी आपके अभ्यास कार्य हैं इन्हें भी करें। आभार, मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में।